हिमालय पर्वत, नाम सुनते ही बर्फ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों की फोटो आपकी आंखों के सामने आ जाती है, लेकिन इसकी गोद में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे अहम है औषधियां। आज बात करेंगे इन्हीं पर्वतों में मिलने वाले अश्वगंधा की। हरफन मौला अश्वगंधा स्ट्रेस कम करता है और अच्छी नींद भी बढ़ाता है, और क्या क्या काम है जानेंगे इस एपिसोड में। अश्वगंधा के काम से पहले बात करेंगे इसके नाम पर। सीधे सपाट अनुवाद के हिसाब से चलें तो घोड़े की गंध जैसा कुछ, और गंध है भी, लेकिन अश्वगंधा की ताजी जड़ में ये गंध अधिक तेज होती है। मुख्य तौर पर दो तरह की होती हैं ये, छोटी अश्वगंधा और बड़ी या फिर देसी अश्वगंधा। अश्वगंधा का इस्तेमाल पत्ते और चूर्ण के रूप में किया जाता है। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब जानते हैं अश्वगंधा कहाँ कैसे मिलती है और इसे दवा कैसे निकालते हैं। झाड़ी छोटी होने की वजह से छोटी अश्वगंध नाम पड़ा। झाड़ी भले छोटी हो लेकिन इसकी जड़ काफी बड़ी होती है, इसलिए अगर दवा के लिए जड़ का इस्तेमाल होना है तो ये सबसे मुफीद है। राजस्थान में नागौर नाम की जगह है, यहाँ ये बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्लाइमेट के कारण ये और असरदार हो जाती है, इसलिए इसको नागौरी अश्वगंध भी कहते हैं। बड़ी या फिर देसी अश्वगंध की जड़ें छोटी और पतली होती हैं, लेकिन इनकी झाड़ियों का फैलाव खूब होता है, इसलिए अगर पत्ते का इस्तेमाल करना है तो ये बेहतर रहती है। ये बाग, बगीचों, खेतों और पहाड़ी स्थानों में सामान्य रूप से पाई जाती है। अश्वगंधा की दोनों प्रजातियां 0.3 से 2 मीटर तक ऊंची होती है। अब आगे बढ़ने से पहले चेतावनी और अनुरोध दोनों ही। आगे दी जाने वाली जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सोर्स जैसे कि हेल्थलाइन, 1MG आदि से ली गई है। शोध के परिणाम हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अश्वगंधा या फिर कोई भी दूसरी जड़ी बूटी का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। आपका काम आसान करने के लिए हमने बात की डॉक्टर शीशपाल हीरा से, जो हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में 8 साल से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हैं। खांसी का इलाज। सर्दी का मौसम है और इसमें खांसी आम बात है, इसके लिए आप अश्वगंधा इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी में पकाने और फिर थोड़ा थोड़ा पिलाने से कुकर खांसी या फिर वात से होने वाले कफ की समस्याओं में खूब फायदा होता है। इसकी गोलियों को चूसने से सब प्रकार की खांसी दूर होती है। अगर कोई टीबी का मरीज है तो उसके लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद है। अश्वगंधा के पत्तों का पेस्ट स्किन पर लगाने से या इसके पत्तों के काढ़े से नहाने से स्किन में लगने वाले कीड़ों से छुटकारा मिलता है। शरीर में होने वाली सूजन को दूर करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। डायबिटीज के मरीजों की एक आम शिकायत होती है, उनके जो घाव होते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, ऐसे में अश्वगंधा की जड़ का पेस्ट घाव के इलाज में काम आ सकता है। मेंटल हेल्थ आज कितना बड़ा मुद्दा है ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल हेल्प लेने के साथ साथ आप अश्वगंधा की तरफ भी देख सकते हैं। हेल्थलाइन की स्टडी में पता चला है कि अश्वगंधा तनाव और चिंता के लिए जिम्मेदार माध्यम जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन्स, कोर्टिसोल और तनाव को ट्रिगर करने वाले JNK1 को कंट्रोल कर सकती है। स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते तक अश्वगंधा लेने से 100 में से 58 लोगों का तनाव कम हुआ है, उनकी स्लीप साइकिल भी बेहतर हुई है। अगर आप भी अश्वगंधा का सेवन करना चाहते हैं तो हिमालय प्योर हर्ब्स अश्वगंधा ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्या अश्वगंधा स्ट्रेस या चिंता को कम करता है? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, अश्वगंधा में ऐसे केमिकल होते हैं जो कि स्ट्रेस कम करते हैं, ये ब्रेन को काम रखते हैं, इसलिए इसका प्रयोग जो है एडेप्टोजन भी माना है। एडेप्टोजन को स्ट्रेस रिलीवर कहा जाता है, इसलिए अश्वगंधा का प्रयोग हम स्ट्रेस को रिलीव करने में भी यूज करते हैं। अश्वगंधा का सेवन एथलीट्स की परफॉर्मेंस भी बढ़ा सकता है। हेल्थ मैन ने एक स्टडी से जाना कि अश्वगंधा को एक सीमित मात्रा में लेने से परफॉर्मेंस में सुधार आता है। अश्वगंधा के सेवन से एथलीट्स के मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन में अधिक सुधार आया। मसल्स की ताकत बढ़ाने में भी ये बहुत कारगर है। दोस्तों, रिसर्च में बताया है कि अश्वगंधा जो है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को इंक्रीज करता है, जिसमें क्या होता है कि हार्ट के मसल्स को अश्वगंधा जो है स्ट्रेंथ प्रदान करता है, साथ ही साथ हार्ट का फंक्शन को भी इम्प्रूवमेंट करता है और लंग्स की ऑक्सीजन इनहेलेशन कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, जिस वजह से क्या होता है कि एथलीट्स को थकान महसूस नहीं होती है, और एथलीट को थकान महसूस ना होने का कारण ही उनका स्टेमिना भी बढ़ता है।
मेल फर्टिलिटी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में लोग अमूमन बात करने से झिझकते हैं। इसका फायदा उठाते हैं गली मोहल्लों में मिलने वाले नीम हकीम, जिनसे आपको दूर रहना चाहिए। DHEAS वो हार्मोन है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। एक स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्ते तक लगातार अश्वगंधा का सेवन करने से इस हार्मोन में 14.7% तक का इजाफा हुआ है, जिसका संबंध टेस्टोस्टेरोन से है। आयुर्वेद भी तो कई सालों से ये दावा करता आया है कि ये औषधि इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर स्पर्म का वॉल्यूम बढ़ाने में भी काम आती है। अब आता है कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है, तो इसका जवाब है हाँ। अश्वगंधा एक तरह का एफ्रोडाइसिक एक्शन भी करता है, जिसको हम आयुर्वेद में वाजीकर कहते हैं। वाजीकरण से अश्वगंधा के फंक्शन है, और अश्वगंधा जो है ये स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करता है, साथ ही साथ स्पर्म काउंट को इंक्रीज करने के साथ साथ ये स्पर्म की क्वालिटी को भी इंक्रीज करता है, और अश्वगंधा जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी में भी इजाफा होता है। अश्वगंधा के सेवन से मेमोरी भी शार्प हो सकती है। दावे तो ये भी कहते हैं कि अगर संतुलित मात्रा में अश्वगंधा का सेवन किया जाए तो ये स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों को बहुत मदद दे सकता है। हालांकि ये रिसर्च अभी शुरुआती स्टेज में है, इसलिए अभी इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इतना कुछ जानकर आपको लगेगा कि क्या अश्वगंधा एक दवा है, इसका जवाब जानने के लिए सुनिए डॉक्टर ने क्या कहा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक औषधि के साथ साथ एक रसायन भी है। इसका प्रयोग आचार्यों ने सदियों से कर रहे हैं। रसायन से मतलब ये होता है कि मनुष्य की शरीर को निरोगी या रोग रहित रखना, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। इसके अलावा ये गठिया, ल्यूकोरिया, प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम्स, कब्ज की समस्या, पेट की बीमारी, छाती के दर्द में भी काम आ सकती है। मतलब लिस्ट लंबी है। बस इतना ध्यान रखिए, फायदे के साथ नुकसान भी है, तो सेवन फायदे से करें, सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही इसका इस्तेमाल करें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की क्लास से तो बिल्कुल भी नहीं। आप देख रहे थे ललन टॉप का स्पेशल एपिसोड साइंसकारी। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए लिखी थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।